ओम नमः शिवाय। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओम जय शिव ओंकारा। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी शिव जी के भक्त हैं, बहुत ही प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की ये आरती करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एक आरती के माध्यम से वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की स्तुति करते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। तो आइए मैं इनके एक एक शब्द का अर्थ आपको बताती हूँ। तो पहली पंक्ति है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन, एक मुख किसका है? विष्णु जी का। एकानन चतुरानन, चतुरानन चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और पंचानन पांच मुख वाले कौन है? शिव जी। हंसासन गरुड़ासन वृषवान साजे। हंसासन, हंस आसन किसका है? ब्रह्मा जी का। गरुड़ासन, गरुड़ जी किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। और वृष वाहन, वृष नंदी, नंदी पर कौन बैठते हैं? भगवान शिव जी। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे। दो भुजाओं वाले कौन है? भगवान विष्णु। चतुर्भुज चार भुजाओं वाले ब्रह्मा जी, और दस भुजाएं किसकी हैं? भगवान शंकर की। अक्ष माला वन माला मुंड माला धारी। अक्ष माला यानी कि रुद्राक्ष की माला कौन हाथ में धारण करते हैं? ब्रह्मा जी। और वन माला भगवान विष्णु, और रुंड माला कौन पहनते हैं? भगवान शंकर। चंदन मृग मद सोहे चंदा शुभकारी। चंदन का तिलक कौन लगाते हैं? ब्रह्मा जी। और मृग मद यानी कि कस्तूरी का तिलक लगाते हैं भगवान विष्णु, और चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र कौन पहनते हैं? ब्रह्मा जी। पीतांबर पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। बागंबर यानी कि बाघ की चर्म कौन पहनते हैं? भगवान शंकर। ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे। ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण को जो है ब्रह्मा का ही रूप माना गया है, और सनक सनंदन आदि भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, और भगवान शंकर किनके साथ रहते हैं? भूत प्रेतों के साथ। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। कर के बीच कमंडल भगवान ब्रह्मा जी, और चक्र सुदर्शन चक्र कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। और त्रिशूल किनके हाथ में है? भगवान शिव जी के। जग करता जग हरता जग पालन करता। जग करता यानी कि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, और पालन करने वाले भगवान विष्णु, और संहार करने वाले भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। लेकिन जो अविवेकी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग मानते हैं। लेकिन प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका।
यानी कि प्रणव अक्षर जो ओंकार है उसके बीच में ये तीनों एक हो जाते हैं, यानी कि अ उ म ओंकार जो सृष्टि का निर्माण किया था तब ये ओंकार शब्द ही था, पूरी सृष्टि में आज भी गुंजायमान है और सभी सिद्धियां इस एक ही शब्द में विद्यमान है। तो अ ब्रह्मा जी के लिए है जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऊ भगवान विष्णु के लिए है जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, और म महेश के लिए शंकर जी के लिए है जो पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो ये एक आरती त्रिगुण स्वामी जी की आरती हो जाती है। तो आज मैंने अर्थ सहित जो है आपको इन शब्दों का महत्व बताया है, तो आप भी प्रतिदिन त्रिगुण स्वामी जी की आरती कीजिए, भगवान शंकर जी की आरती के साथ तीनों की आरती हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मन में शांति रहेगी। तो सभी आरती को गाइए, उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।